नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360 न्यूज़। एक बार फिर से बिलासपुर विधानसभा सीट से बलदेव सिंह औलख को राज्य मंत्री बनाए जाने पर विश्व हिंदू महासंघ और उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने रामपुर के विश्व हिंदू महासंघ के कार्यालय पर उनका फूलमालाओं से भव्य स्वागत अभिनंदन किया। हमारे संवाददाता के साथ देखें ये रिपोर्ट। मैं ज्यादा सुनना नहीं चाहता, लेकिन मुझे संघर्ष करने में बड़ा मजा आता है। ये सारे हमारे पत्रकार भाई जानते हैं। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा फैमिली के मूड में नहीं रहता। सन 2016 में मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिले पूरे देश में आप लोगों की डंका बजाने का काम किया है, आपका सम्मान बढ़ाने का काम किया है, आपको रोजगार बढ़ाने का काम किया है, आपको बहुत सारी नौकरियां नौजवानों को देने का काम किया है। ये काम इनके रहते ही हो सकते। मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में दो लोग गॉड गिफ्टेड हैं, जो भगवान के भेजे हुए एक दूत हैं, जो एक उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और एक देश की सेवा कर रहे हैं। आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए थे, उनके परिवारों के लिए कुछ करेगी आपकी सरकार? देखिए, अब मुझे कोई कहने में ग्रेज नहीं है। कहाँ शहीद हुए हैं, किसके लिए, देश के लिए शहीद हुए हैं। हमारे बिलासपुर में एक लड़के की डेथ हुई, वो ट्रैक्टर चढ़ाते किले पे उल्टा होके ट्रैक्टर गिरा, क्या इसको शहीद मानेंगे? असंट कर रहे थे, क्या उसको शहीद मानेंगे? क्या आप एक वहाँ जाके एक घर से वहाँ अपने लेटर लिख के वो क्या शहीद मानेंगे? शहीद कौन होता है? शहीद होता है देश के लिए, देश की कुर्बानी। जो हमारे शहीद जवान अपने सरहदों पे लड़ रहे हैं उन्हें शहीद कहा जा सकता है। वो है जो अपने माँ बाप को अपने बच्चों को छोड़ के बर्फ में पड़े हुए हैं और अपने देश की सेवा कर रहे हैं और दूसरे सरहदों पे दूसरे देशों की लड़ाई हमारे देश को कोई आँच ना आए, वो शहीद होते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, किसान आंदोलन में अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे घुसे हुए थे, जो कि अपनी पार्टियों का प्लेटफार्म, जिनकी पार्टियों का प्लेटफार्म खत्म हो चुका है, जनता से लगाव खत्म हो चुका है, जनता से के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो किसान आंदोलन के प्लेटफार्म पे है, अपनी राजनीति करना चाहते थे मगर वो सफल नहीं हुए।